दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रोहित शर्मा और रविचंद्रन अश्विन के प्रहार से दहला ऑस्ट्रेलिया। दूसरे दिन ही जीत की दहलीज पर भारत तूफानी शतक जड़। रोहित शर्मा ने कैसे तोड़ डाले कई सारे रिकॉर्ड। रविचंद्रन अश्विन के साथ मिलकर रोहित ने कैसे उड़ाई ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धजिया। क्या कुछ रहा दूसरे दिन के मुकाबले का पूरा हाल दिखाएंगे इस रोमांचक हाईलाइट का पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में से महान बल्लेबाज आप किसे मानते हैं, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट का दूसरा दिन शुरू हुआ। अगर पहले दिन की बात करें तो पूरी तरीके से भारतीय टीम के नाम रहने वाला है। पहले दिन रविंद्र जडेजा और अश्विन की गेंदबाजी के दम पर भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 177 रनों पर ऑल आउट कर दिया, जिसमें जडेजा ने वापसी करते हुए 5 विकेट लिए, तो वहीं रविचंद्रन अश्विन ने भी 3 सफलताएं अपने नाम की। इसके अलावा मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी को 1-1 विकेट मिला। जब बल्लेबाजी की बारी आई तब कप्तान रोहित ने अर्धशतक जड़ भारतीय पारी को 77 रनों तक पहुंचा दिया। पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 1 विकेट के नुकसान पर 77 रन बनाए थे और भारत ऑस्ट्रेलिया से 100 रन पीछे था। दूसरे दिन का खेल खत्म हुआ, रोहित शर्मा और उनका साथ निभा रहे रविचंद्रन अश्विन नाबाद लौटे। राहुल ने एक बार फिर निराश किया था, जहां उन्होंने 20 रन बनाकर अपना विकेट गंवा दिया। दोस्तों, अब बारी थी दूसरे दिन की और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों से लोहा लेने की। कप्तान रोहित और रविचंद्रन अश्विन एक बार फिर से सिर पर कफन बांधकर मैदान पर उतर चुके थे। पहले दिन कप्तान रोहित ने जहां आक्रामक शुरुआत की थी, तो वहीं दूसरे दिन उन्होंने सूझबूझ वाली पारी खेली। उन्होंने शुरुआत में तो धीरे धीरे कर भारतीय पारी को रविचंद्रन अश्विन के साथ मिलकर आगे बढ़ाना शुरू किया। लेकिन आपको बता दें, इस मुकाबले में एक वक्त ऐसा आया जब लगभग अश्विन आउट हो चुके थे। बता दें, नाथन की एक गेंद रविचंद्रन अश्विन के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर चली गई थी, लेकिन किस्मत के धनी अश्विन को उसी किनारे से भी चौका मिल गया। इसी के साथ नाइट वॉचमैन अश्विन का खाता भी खुल गया था। बल्ले से पहले रन आते ही रविचंद्रन अश्विन के तेवर ही बदल गए। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस को पॉइंट के एरिया में चीरते हुए इतना खतरनाक चौका लगाया कि गेंदबाज तो हक्का बक्का रह गया। ऑस्ट्रेलिया के सभी इरादों पर पानी फेरते हुए भारतीय टीम ने धाकर शुरुआत की थी। 29 ओवरों में ही टीम इंडिया 94 रनों के पार चली गयी थी। भारतीय खेमे के चेहरों पर सुकून की झलक साफ दिखाई दे रही थी, वहीं ऑस्ट्रेलिया के तो पसीने छूट रहे थे। देखते ही देखते कप्तान रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। कमिंस को स्क्वायर लेग के ऊपर से तूफानी छक्का लगाकर रोहित ने टीम इंडिया को 100 रनों के पार पहुंचा दिया था। रोहित का वो भयावह छक्का देखकर तो पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। हालांकि एक पल के लिए ऑस्ट्रेलियाई खेमे में उम्मीद जगी थी, क्योंकि वो गेंद सीधा फील्डर के हाथों में जा रही थी, लेकिन जब रोहित के बल्ले से गेंद लगती है तो वो सीधा बाउंड्री के पार ही होती है, और कुछ ऐसा ही देखने को मिला। फील्डर के ऊपर से रोहित ने छक्का बटोरा था। कप्तान को फॉर्म में देखकर दूसरे छोर पर खड़े अश्विन ने भी अपना रंग बदला और गेंदबाजी करने आए नाथन को स्वीप शॉट से इतना बेहतरीन छक्का बटोरा, जिसे देखकर पूरा स्टेडियम हैरान था। अश्विन का वो शानदार छक्का देखकर रोहित भी हैरान थे। पिछले 2 ओवरों में भारतीय टीम ने रनों की रफ्तार को सीधा 6ठे गियर में पहुंचा दिया था। ऑस्ट्रेलिया विकेट चटकाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज उन्हें एक भी सफलता हासिल नहीं होने दे रहे थे। 33 ओवरों में ही टीम इंडिया 110 रनों के पार पहुँच गयी थी। दिन के पहले सेशन में अब तक भारतीय टीम का पूरी तरीके से दबदबा रहा था। कप्तान रोहित शर्मा रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने नाथन लियोन के खिलाफ पॉइंट के क्षेत्र में चौका बटोरकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को खून के आंसू रुला दिए थे। ऑस्ट्रेलिया की टीम एक विकेट के लिए तरस रही थी। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों की रनों पर लगाम लगाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उसका कुछ खास असर भारतीय टीम पर नहीं पड़ा। दोनों बल्लेबाज बेहद ही धाकड़ अंदाज में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धजिया उड़ा रहे थे। जहां कप्तान रोहित बहुत तेजी से अपने शतक की ओर बढ़ चले थे, तो वहीं रविचंद्रन अश्विन भी अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच गए थे। दोस्तों, आपको बता दें, 38वें ओवर के बाद भारत का स्कोर 117 रन था। रविचंद्रन अश्विन और रोहित शर्मा दोनों ही क्रीज पर सुरक्षित बल्लेबाजी कर रहे थे। अब तक भारत ने अपना केवल 1 ही विकेट गंवाया था। कप्तान रोहित अपने शतक के बेहद करीब थे, जो कि 73 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं अश्विन भी 56 गेंदों पर 22 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। आने वाले बल्लेबाजों में भारत की नई दीवार चेतेश्वर पुजारा, द लेजेंड विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव तूफानी बल्लेबाजी करने के लिए बेताब होंगे। भारत ऑस्ट्रेलिया से काफी आगे निकल जाने वाला है। आपको बता दें, टीम इंडिया कंगारू से दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक लगभग 200 से ज्यादा की बढ़त हासिल कर सकता है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, बॉर्डर गावस्कर
ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन कौन सा बल्लेबाज बनाने वाला है, रोहित शर्मा, विराट कोहली या फिर स्टीव स्मिथ? अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।